भोपाल क्राइम ब्रांच ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगने वाले दो बदमाशों को पकड़ लिया है। इन दोनों ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण शारी मिश्रा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की थी। दोनों बदमाशों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी बड़े पदों पर पदस्थ अधिकारियों के फोटो एवं नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाते थे। इसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट में जुड़े लोगों से फर्जी आईडी से दोस्ती कर लेते थे। दोनों ठग इतने शातिर थे कि अधिकारियों का ट्रांसफर होने का बताकर सस्ते दामों में फर्नीचर बेचने का झांसा देते थे। इसके बाद बिल बनवाने व ट्रांसपोर्ट से भेजने के नाम पर पैसे से जो है ट्रांसफर करवा लेते थे। भोपाल क्राइम ब्रांच के आरोपियों से लगभग 100 लोगों से धोखाधड़ी करने के सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर क्राइम भोपाल द्वारा दो आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद इनको राजस्थान से पकड़ा गया है। इन दोनों के द्वारा कमिश्नर भोपाल की फर्जी आईडी बनाई गई थी, जिस पर 45,000 रुपये की ठगी इन लोगों के द्वारा जबलपुर निवासी व्यक्ति की गई थी। पकड़ने के बाद इन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में और भी लोगों के साथ ठगी करना इन्होंने स्वीकार किया है। ये लोग सामान्यतः पुलिस अफसरों की आईडी बनाते हैं जो अन्य प्रदेशों की होती है। जब मध्य प्रदेश पुलिस वहाँ पहुँची तो अन्य राज्यों की पुलिस भी वहाँ पहुँची थी, जिनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ के जो स्थानीय जो आरोपी हैं उनके द्वारा अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों की या जो प्रशासनिक अधिकारियों की डीपी बदलकर फेसबुक की नकली प्रोफाइल बनाकर फेक प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगे गए, लोगों से ठगी की गई है।